सूरत के टेक्सटाइल मार्केट के सेक्रेटरी एवं संचालक पर व्यापारियों ने 30 करोड़ की जमीन पर अवैध कब्जा कर गंभीर आरोप लगाया है। समस्त व्यापारी वर्ग अरिहंत टेक्सटाइल मार्केट ने सूरत पुलिस आयुक्त से न्याय की गुहार लगाई है। व्यापारी वर्ग ने जगदीश भाई रमणलाल शाह सेक्रेटरी एवं संचालक अरिहंत टेक्सटाइल मार्केट रिंग रोड सूरत के खिलाफ शिकायत की है कि सेक्रेटरी व संचालक ने अवैध कब्जा कर अतिक्रमण किया है, जिससे उसे हटाने और जिम्मेदारों के खिलाफ कार्यवाही किए जाने की मांग की है। व्यापारी वर्ग अरिहंत टेक्सटाइल मार्केट ने सूरत पुलिस आयुक्त से न्याय की गुहार लगाई है। व्यापारी वर्ग ने जगदीश भाई रमणलाल शाह सेक्रेटरी एवं संचालक अरिहंत टेक्सटाइल मार्केट रिंग रोड सूरत के खिलाफ शिकायत की कि सेक्रेटरी एवं संचालक ने अवैध कब्जा कर अतिक्रमण किया है, जिससे उसे हटाने और जिम्मेदारों के खिलाफ कार्यवाही किए जाने की मांग की है। समस्त कपड़ा व्यापारियों ने जानकारी देते हुए बताया कि अरिहंत मार्केट एनवी कॉरपोरेशन बिल्डर द्वारा 28 साल पहले उमरवाड़ा प्लानिंग स्कीम नंबर 8 फाइनल प्लॉट नंबर 132, 133, 134 जिसका सिटी सर्वे नंबर 2021 पर बनाया हुआ है, यहाँ पर करीबन 130 व्यापारी कपड़े का कारोबार करते हैं। आपसे मिलीभगत में आरोपी मार्केट का संचालन कर रहा है। मेंटेनेंस, बिजली बिल व सुरक्षा अन्य खर्चों का हिसाब आरोपी स्वयं कर रहा है। अभी तक मार्केट के व्यापारियों को कोई हिसाब किताब बताया नहीं है। इतना ही नहीं, मार्केट के पिछले पार्किंग के हिस्से में दीपावली की छुट्टियों में लगभग 30 करोड़ की जमीन पर अवैध कब्जा कर लिया है। ये जमीन एनवी कॉरपोरेशन के मार्केट के व्यापारियों के लिए पार्किंग व अन्य सुविधाओं के लिए खुली छोड़ रखी है। अवैध कब्जा करने से मार्केट के व्यापारियों को अपने वाहन एसएमसी पार्किंग में खड़ा करने के लिए मजबूर कर दिया गया है।